नमस्कार दोस्तों, बीबीसी कंप्यूटर वर्ल्ड के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे बीबीसी के नए लॉन्च हुए मॉडल 8865 VR मॉडल की। इस मॉडल की आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे, तो इस मॉडल की सारी डिटेल्स और फीचर्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए, जिससे कि आप इसके सारे प्रोडक्ट्स और डिटेल के बारे में जान सकें और आपसे किसी भी तरह की चीज़ कोई मिस ना हो पाए। बहुत ही शानदार और ब्यूटीफुल मॉडल उन्होंने लॉन्च किया है। एयर के लिए भी अच्छा खासा स्पेस है। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखें, जिससे कि आप इसकी सारी अनबॉक्सिंग और फीचर्स के बारे में जान सकें। तो अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, देखते हैं जब आप ये कैबिनेट बाय करेंगे तो आपको इसके अंदर क्या क्या मिलेगा, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में इसकी कवर करने की कोशिश करेंगे। ये हमने कैबिनेट को बाहर निकाल लिया। सबसे पहले हम इसके फ्रंट पैनल की बात करते हैं। तो आप फ्रंट पैनल अगर देखेंगे तो इसके ऊपर आपका पियानो पॉलिश हो रखी है, वुडन फिनिशिंग है। हालांकि ये प्लास्टिक का कवर है लेकिन फिनिशिंग वुडन की है, तो और डिजाइन भी एरोनॉमिक डिजाइन दिया गया है। आगे से आपका उठा हुआ डिजाइन है और एयर के लिए भी इसमें काफ़ी स्पेस दिया गया है। ये सारे ये आपके लिए एयर के लिए ही इसमें स्पेस दिया गया है, तो एयर के लिए भी एक बहुत अच्छा इसका एडवांटेज है। और ये इसका फ्रंट पैनल है। अब हम बात करते हैं अगर इसके टॉप पैनल की, कि टॉप पैनल में हमें क्या क्या दिया गया। तो टॉप पैनल में सबसे पहले आप देखेंगे कि 3.0, 2.0 और आपका हेडफोन और माइक का जैक एंड पावर बटन है, रिस्टार्ट होने इसके अंदर दिया गया। और इसके साथ में आपको टॉप पे स्पेस दिया गया है 120 mm के दो फैन लगाने का, और ये आपका मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर भी इसमें दिया गया है। हम आते हैं इसके और फीचर्स के बारे में। तो इसके साइड पैनल को आप देख सकते हैं, फुल एक्रेलिक साइड पैनल इसके अंदर दिया गया है और चार साइड माउंटेड स्क्रू दिए गए हैं इसके अंदर। एक्रेलिक पैनल को भी बड़े अच्छे से पॉलिथीन के थ्रू कवर किया गया है, जिससे कि इस पर कोई स्क्रैचिंग पड़े, जिस तब तक आपको ये ना मिले, कैबिनेट आपके पास ना पहुंचे। अब हम अगर इसकी बात करते हैं इसके स्क्रूज वगैरह की और केबल्स की जो आपको इनसाइड इसके अंदर दी गई है, तो ये आपकी केबल्स इसके अंदर दी गई है। आप देख सकते हैं बीबीसी ने इस बार केबल्स की क्वालिटी अपनी बढ़ाई है, बेहतरीन अच्छी केबल्स का यूज किया गया। और अगर हम स्क्रूज की बात करें तो स्क्रू भी आपके ब्लैक माउंटेड है और एक्स्ट्रा चार लॉन्ग स्क्रू भी इसके अंदर दिए गए हैं, जिससे कि ये आपके अगर आपको PSU के ऊपर कोई फैन वगैरह माउंट करना हो तो ये लॉन्ग स्क्रू आपके यूज में आएंगे। हम बात करते हैं इसके अंदर के स्ट्रक्चर की। अगर हम अंदर के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है मदरबोर्ड के लिए, जिसमें आप ATX, मिनी ATX, माइक्रो ATX, M ATX मदरबोर्ड फिट कर सकते हैं। और CPU कूलर आपका, अगर आप इसमें CPU कूलर इंस्टॉल करते हैं उसके लिए भी अच्छी खासी करीब 180 mm की हाइट दी गई है। 180 mm तक का आप इसमें CPU कूलर इंस्टॉल कर सकते हैं और मैं सजेस्ट करूंगा आप 160, 165, 170 mm तक का ही कूलर यूज करें, क्योंकि मदरबोर्ड की हाइट भी थोड़ी सी इसमें आती है, तो इसकी टोटल जो हाइट है वो आपकी 180 mm की है। अब हम बात करते हैं इसके SSD के लिए। SSD के लिए यहाँ पे भी दो स्लॉट दिए गए हैं इसमें, आप यहाँ पे दो स्लॉट SSD फिट कर सकते हैं और इसके ट्यूब के अंदर भी स्पेस दिया गया है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और अगर हम ग्राफिक कार्ड की बात करें तो आप देख सकते हैं ग्राफिक कार्ड के लिए भी इसके अंदर बहुत अच्छा स्पेस दिया गया है। आप बड़े से बड़ा 3 फैन का, 2 फैन का, 1 फैन का जो आपको ग्राफिक कार्ड अच्छा लगता हो इसके अंदर आप सपोर्ट कर सकते हैं। अब हम इसके फ्रंट पैनल को निकाल के फैंस की बात करेंगे कि इसके अंदर हम टोटल फैन कितने फिट कर सकते हैं। फ्रंट पैनल निकालने के लिए सबसे पहले आप ये जो स्पेस दिया गया है यहाँ पे अपने हाथ को फंसाइए, उसके बाद इसको आराम से ऊपर की तरफ खींचिए, और क्योंकि ये प्लास्टिक की होती है तो इसलिए इसको आराम से खींचना जरूरी है।
ज़्यादा ताकत मत लगाइए, फिर कई बार ये टूट भी सकता है। ये देख लिए मैंने इजीली फ्रंट पैनल इसका रिमूव कर दिया। अगर हम बात करें फ्रंट की, तो फ्रंट में आप देख सकते हैं दो 120 mm के फैन का इसमें स्पेस दिया गया है, या फिर आप इसमें 240 mm तक का, मैक्सिमम 240 mm तक का रेडिएटर भी इसके अंदर, मतलब वाटर कूलर या दिया हुए वाटर कूलर इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं और फैंस की, दो फैन आप इसके फ्रंट में इंस्टॉल कर सकते हैं, दो फैन आपके इसमें टॉप में आ सकते हैं 120 mm के, एक आप यहाँ रेयर में यूज कर सकते हैं, और दो फैन आप यूज कर सकते हैं ये पीएसयू की ट्यूब के ऊपर। तो टोटल आप इसके अंदर 7 फैन इंस्टॉल कर सकते हैं, और या फिर एक 240 mm का वाटर कूलर फ्रंट में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बैक पैनल की अगर बात करें तो बैक में आप देखेंगे एक आपके लिए फैन के लिए स्पेस है, साथ में 7 एक्सपेंशन स्लॉट दिए गए हैं, जो कि आप इसमें अपने ग्राफिक कार्ड या एड ऑन कार्ड्स को यूज करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम इसके बैक पैनल को खोलते हैं और देखते हैं इसमें हार्ड डिस्क वगैरह के लिए अंदर या पावर सप्लाई के लिए क्या ऑप्शन दिया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप दो SSD यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, और हार्ड डिस्क के लिए ये आपके लिए अलग से हिडन हार्ड डिस्क के लिए कवर दिए गए हैं, सॉकेट्स हैं। इसके अंदर आप चाहें तो दो 3.5 इंच की हार्ड डिस्क इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर आप यहाँ ये स्क्रू लगा के और इसमें 2.5 इंच की हार्ड डिस्क इंस्टॉल कर सकते हैं। SSD 2 मीन्स आप टोटल या तो टोटल 4 SSD इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर दो SSD यानी दो 2.5 इंच की हार्ड डिस्क और एक दो 3.5 इंच की हार्ड डिस्क इंस्टॉल कर सकते हैं। टोटल मीन्स इस कैबिनेट के अंदर भी 4 हार्ड डिस्क इंस्टॉल होंगी अगर आप चाहें, बाकी आपके ऊपर मर्जी है आपकी कि आप कितनी यूज करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। और ये हिडन पॉकेट दिया गया है जिससे कि आपकी हार्ड डिस्क बाहर मैच ना हो। और ये आपके लिए PSU की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं PSU के लिए भी अच्छा खासा स्पेस दिया गया है, आपका काफ़ी बड़ा PSU इसमें आ सकता है, अब इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम इसके डाउन बॉटम साइड की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मैट डस्ट फिल्टर दिया गया है, और एयर की बात करें तो एयर के लिए इसमें हर जगह से स्पेस दिया गया है, जहाँ से भी आप एयर, अगर एयर कूलिंग की बात करें तो इस कैबिनेट में एयर कूलिंग के लिए फ्रंट में भी अच्छा ऑप्शन है, और बैक में, साइड में और बॉटम में भी अच्छा स्पेस है। और अब हम बात करें अगर इसकी के इसमें आप केबल मैनेजमेंट के लिए भी इसमें अच्छा स्पेस दिया गया है। आप देख सकते हैं सबसे पहले पावर सप्लाई के लिए आपका ये यहाँ पे स्पेस दिया गया है, यहाँ से आप पावर सप्लाई की वायर्स अंदर डालेंगे तो फिर आपकी वो फ्रंट में आ जाएंगी। उसके बाद आप यहाँ पे जिस तरीके से भी चाहें, इसमें अच्छा स्पेस है, अच्छे लॉक्स दिए गए हैं, तो आप केबल मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा इसमें कर सकते हैं। तो ये इस ओवरऑल इस कैबिनेट की अनबॉक्सिंग और रिव्यू था। आपको अगर ये वीडियो और ये प्रोडक्ट अच्छा लगा हमारा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, जिससे कि शेयर करें, जिससे कि और लोग भी हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकें। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।